देशी शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना क्षेत्र के सोनक, कर्णपुर, संथाल टोला और बलियासपट्टी में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 85 लीटर देशी शराब बरामद की है। वहीं शराब बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत अन्य सामान के साथ साथ 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। इस कार्रवाई में देशी शराब के साथ साथ 2 महिला समेत कुल 13 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर DSP कुमार इंद्र प्रकाश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये तीनों जगह जो है हम लोग छापामारी की और इसमें अवैध रूप से जो शराब बनाने का काम किया जा रहा था उसमें बहुत सारे शराब बनाने के उसको ध्वस्त किया गया वहाँ पर, और उस मौके से जगह से 11 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी की गई है। साथ में कुछ देसी शराब बरामद किया गया है। शराब बनाने के बड़े और छोटे बर्तन लगभग 20-25 की संख्या में वो भी बरामद किया गया है। साथ ही शराब को परिवहन में इधर से उधर ले जाने में जो मोटरसाइकिल यूज़ किया जा रहा था उसको भी 3 मोटरसाइकिल को वहां से बरामद किया गया। शराब बनाने और बेचने वाले के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब बेचने और बनाने वालों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने सभी तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पंजाब केसरी TV के लिए सुपौल से सुभाष की रिपोर्ट।